बारिश ना होने की वजह से वो तालाब सूख गया होगा। आप उसे भरवा दीजिए, फिर वहां जाकर मनोकामना मांग सकते हैं। पक्का ना? क्योंकि तो दोस्तों अभी जो आपने कार्टून वीडियो देखा, सेम इसी प्रकार का कार्टून वीडियो ड्रीम टून चैनल पे भी अपलोड है। यहाँ पे आप साइड पे भी स्क्रीन पे देख सकते हो, हम जो है लगा दिए, सेम वीडियो जो है ड्रीम टून चैनल पे भी अपलोड है। तो दोस्तों सेम इसी प्रकार का आप भी कैसे वीडियो बना सकते हो, जो कि पॉपुलर चैनल है ड्रीम टून, इस पे काफी ज्यादा लोग जो इस तरीके का वीडियो को पसंद करते हैं, इसके तरीके का। तो दोस्तों ये जो वीडियो को क्रिएट करते हैं ना, पीसी या लैपटॉप के द्वारा करते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले जिसके बाद आप जो है मोबाइल की मदद से सिर्फ टेक्स्ट क्लिक करके जो आप इस तरीके का कार्टून वीडियो अपने मोबाइल फोन की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पे सारा प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आना है मोबाइल की स्क्रीन पे एंड आपको प्ले स्टोर ढूंढ लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करना है एंड इसके बाद यहाँ पे सर्च बार पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको कर लेना है जेड कट ऐप, सर्च कर लेना है। जैसे ही जेड कट ऐप को आप सर्च करेंगे, आपके मोबाइल इंस्टॉल नहीं होगा, आप इनको इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपके सामने ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन कर लेना है एंड आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है एंड वेट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद स्किप करना है, स्किप करने के बाद यस पे क्लिक कर लेना है, फिर से स्किप करना है एंड फिर लेट्स गेट पे स्टार्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, तो आपको न्यू मूवी पे क्लिक कर लेना है एंड दोस्तों न्यू मूवी पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आपको पिक सीन पे क्लिक कर लेना है। पिक सीन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा बैकग्राउंड मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे हजारों हजार बैकग्राउंड मिल जाएगा। आपको जिस भी तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, आपको बहुत सारा यहाँ पे बैकग्राउंड मिलने वाला है, तो आप किसी भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है बैकग्राउंड को यहाँ पे डाउनलोड होने में, तो आपको यहाँ पे वेट करना है जितना आप वेट कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा अच्छा अच्छा बैकग्राउंड मिलने वाला है, आप जो अपने हिसाब से किसी भी बैकग्राउंड को ले सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारा बैकग्राउंड मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं नाम भी लिखा हुआ है, जैसे ऑफिस से रिलेटेड बैकग्राउंड चाहिए, स्कूल से रिलेटेड चाहिए, पब्लिक से रिलेटेड चाहिए, स्पेस से रिलेटेड चाहिए, हिस्ट्री से रिलेटेड चाहिए, हॉलीडे से रिलेटेड, आपको जैसा भी बैकग्राउंड चाहिए आप वहाँ पे ले लेंगे। तो हम यहाँ पर से किसी एक बैकग्राउंड को लेकर के आपको अच्छे से पहले समझा देते हैं कि कैसे आपको वीडियो को बनाना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर से किसी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम इस वाले बैकग्राउंड को ही सिलेक्ट करते हैं, तो आप किसी भी बैकग्राउंड को ले सकते हैं। तो यहाँ पर से इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर से आपको डन कर लेना, ये बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद आप जो है यहाँ पर से जो है पिक एक्टर को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अगर आपको एक कैरेक्टर लेना है तो एक कैरेक्टर से भी स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप दो कैरेक्टर को रख सकते हैं, आप किसी भी कैरेक्टर को ले सकते हैं, लड़का लड़की का या सिर्फ लड़का का, आप किसी का भी कैरेक्टर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर से दो कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कैरेक्टर भी आपको मिलेगा, आपको जो भी कैरेक्टर पसंद हो आप रख सकते हैं। तो हम एक ये कैरेक्टर ले लिए और डन कर दिए, फिर एक कैरेक्टर और सिलेक्ट कर लेते हैं, दो कैरेक्टर को रखेंगे ताकि अच्छा लगेगा स्टोरी में। तो यहाँ पर से देख सकते हैं एक और कैरेक्टर को ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर से फिर से डन कर देते हैं एंड डन करने के बाद अब जो है कैरेक्टर को आप जहां पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का नाम है, एक का नाम है आर्थर और एक का नाम है बीटाग्राम, बीटाग्राम। तो आर्थर पे क्लिक करेंगे, आपको इनको जहां पे रखना है वहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम इनको फायर के पास लेकर के आ गए। अगर हम इसको जो है स्टोन के पास ले जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये पत्थर के पास आके बैठ गया। अब दूसरा का नाम है बीटाग्राम, अब इनको भी जहाँ रखना है आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वहाँ आ जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये जो है लेफ्ट राइट हो जाता है। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से हम इनको रख लिए, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे डायलॉग लिखना है, आप इनसे जो भी बोलवाना चाहते हैं। तो अब आपको जो भी बोलवाना है, यहाँ पे एक्टर को सिलेक्ट करेंगे, आप पहले किससे बोलवाना चाहते हैं, तो आर्थर से अगर बोलवाना चाहते हैं तो आर्थर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी बोलवाना चाहते हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर से क्या करते हैं, यहाँ पर से सबसे पहले बात बैक आते हैं और यहाँ पे प्ले स्टोर पे फिर से आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, ताकि दोस्तों आपको स्टोरी के लिए भी सोचना ना पड़े, आपको खुद जो है एआई के द्वारा स्टोरी भी मिल जाए और एक एप्लीकेशन के द्वारा जो है वीडियो भी मिल जाए, जिसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जो यूट्यूब पे अपलोड कर देना है वीडियो को एडिटिंग करके। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ए शॉर्ट हिस्ट्री, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में ही लिख देते हैं, दो दोस्त की कहानी, दो दोस्त की कहानी, कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं और यहाँ पे भेज देते हैं इसको। तो देख सकते हैं ये जो है कुछ इस तरीके का बड़ा कहानी आ गया, तो हमको इस तरीके से नहीं लिखना, हम लिख देते दो दोस्त का बातचीत, दो दोस्त
का बातचीत, बातचीत, सुनसान जगह, सुनसान जगह। तो इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, दो दोस्त का कहानी आ गया, वो भी सुनसान जगह पे, जिसमें कि लिखा है समीर तुम्हें याद है जब हम छोटे थे कैसे हम यहाँ अक्सर खेलते थे। इस तरीके से लिख दिया। अब हम इनको जो है कॉपी करेंगे, कॉपी करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको जो है एक जगह जो है इनको कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरीके से कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इस पे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस पे पेस्ट कर दिए। अब आर्थर जो है बोलेगा इनसे। अब यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो प्ले हो चुका है। आर्थर जो है इनसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, बोल रहा है समीर तुम्हें याद है जब हम छोटे थे कैसे हम यहाँ अक्सर खेलते थे। ये हो गया। अब इनसे बुलवाना तो फिर से डायलॉग पे आना और पिक एक्टर पे आ जाना है और बीट ग्राम से बुलवाना। अब बीट ग्राम पे क्लिक करेंगे और दूसरा लाइन यहाँ पर से आएंगे और फिर दूसरे लाइन को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे लाइन को कॉपी कर लेंगे। इनको कॉपी कर लिए। अब यहाँ पर से फिर से जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल रहा है कुछ इस तरीके से अपने दोस्तों से। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से बात कर रहा है। एंड दोस्तों अगर आपको कहीं पे बोलते बोलते जो है बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड को फिर से आएंगे और दूसरा बैकग्राउंड भी यहाँ पर से आ जाएगा इसी तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट हो रहा है बैकग्राउंड चेंज होने में। तो आप यहाँ पर से किसी भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर से डन कर देंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बोलने लगा आपस में। तो आपको जैसे भी वीडियो को क्रिएट करना है वहां पर से उस तरीके का सीन जो है बना लेना है और यहाँ पर से वीडियो को क्या कर लेना, एक्सपोर्ट कर लेना है। एंड वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे एंड प्ले एंड से मूवी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम जो है इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये सेव हो चुका है। जब आपका यहाँ पे वीडियो रेडी हो जाएगा तब आपको काइन मास्टर पे आना है एंड काइन मास्टर पे आने के बाद आप जो भी वीडियो को क्रिएट किए आपको यहाँ पर से जिस भी रेशियो में वीडियो को बनाना है और जिस भी रेशियो में आप वीडियो को बनाए उस रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर से देख सकते हैं जो वीडियो हम क्रिएट किए हैं यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं लोगो दिख रहा है इनका। तो लोगो को हटाने के लिए पेन एंड जूम पे आएंगे और राइट पे टिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इनका लोगो हट चुका है और देख सकते हैं एचडी में एकदम वीडियो है। अब दोस्तों आपको क्या कर लेना, इनका वॉइस को बंद कर देना एंड दोस्तों अपना वॉइस को यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे एंड स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे और जो भी ये बात करेगा एक दूसरे से यहाँ पे उस हिसाब से जो आप रिकॉर्ड किए उस हिसाब से यहाँ पे जो आपको अपना वॉइस को क्रिएट कर लेना है। दोस्तों जब आपका वीडियो बन जाए रेडी हो जाए आप जितना चाहें उतना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वीडियो को। तो हम जो है बस एक ही वीडियो को शूट किए और यहाँ पर से डाल करके आपको समझा दी कि कैसे आपको वीडियो क्रिएट करना है एंड लास्ट में आपको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद सेवेज वीडियो करना है। तो आई होप दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।